बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेस कर्व्स के ऊपर बात की थी, और स्पेस कर्व्स के ऊपर हमने बात करते हुए हमने एक मूविंग ट्रायड्स को हमने डिफाइन किया था। हमने कहा था कि स्पेस कर्व जो है एक बेसिस वेक्टर से फॉर्म हो सकता है, मतलब आपके पास तीन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स थे टी एन और बी के नाम से। टी वेयर टी वॉज द टेंजेंट वेक्टर, n was the normal to the vector and b was the binormal to the vector. So let suppose हमारे पास ये जो है एक space curve given है, this is your space curve, ये आपका x axis, this is y axis and this is z axis. ये जो एक space curve given है, this space curve, ये इसकी orientation है जो कि आप इसको read करोगे from in this direction. और इस मतलब इसमें आप एक बात ये देख सकते हैं, ये जो वेक्टर टी है, ये टी वेक्टर आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो कर्व है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब आप नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, किस डायरेक्शन में आप जाएंगे, टेंजेंट वेक्टर आपका ये रिप्रेजेंट करता है। जबकि नॉर्मल वेक्टर आपके कर्व के सेंटर की तरफ पॉइंट पे तो जो है मूव करता, सेंटर पॉइंट पे जो है इसकी डायरेक्शन होती है। मतलब लेट्स सपोज अगर आपको ये सर्कल बन रहा है, तो सर्कल के ऊपर अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर बनाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन जो होगी नॉर्मल की ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। और जबकि बायनॉर्मल वेक्टर, जो बायनॉर्मल वेक्टर वो इन दोनों वैक्टर्स के जिस प्लेन में ये दो वैक्टर्स टी और एन लाए करते हैं उस प्लेन से ये जो है परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो हमारे पास ये तीन वैक्टर्स है, और ये तीन वेक्टर्स जो हैं हमारे पास ये तीन वेक्टर्स इनके कॉम्बिनेशंस एक प्लेन बनाते हैं। हमने लास्ट क्लास में ऑस्कुलेटिंग प्लेन की तो बात कर ली थी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन कैसे बनता है हमने इसके ऊपर पूरी जो है बात की थी। जो चीज़ अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप उसको लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर उसमें देख सकते हैं। ऑस्कुलेटिंग प्लेन को हमने डिफाइन किया था, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्लेन स्पेंड बाय टू वेक्टर्स, टेंजेंट वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर्स। तो टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर्स के स्पेन से जो आपके पास एक प्लेन बन रहा है, यानी कि हमारे पास दिस प्लेन, यानी कि दिस प्लेन, ये जो प्लेन आपके पास बन रहा है टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर से मिलके, दिस प्लेन इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और जबकि हमारे पास एक प्लेन जो कि टेंजेंट वेक्टर और बाय नॉर्मल वेक्टर के स्पेन से मिले, यानी कि दिस प्लेन टेंजेंट वेक्टर और बाय नॉर्मल के वेक्टर के स्पेन से मिले, दिस प्लेन इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग प्लेन। जबकि दोनों तरह के जो नॉर्मल्स हैं उनके स्पेन से, दोनों तरह के नॉर्मल मतलब बाय नॉर्मल एंड नॉर्मल वेक्टर, इनके स्पेन से जो वेक्टर मिलता है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन। तो हमारे पास ये तीन तरह के प्लेन्स हमारे पास आ जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये जो टी एन और बी जो है ये आपके पास मूविंग ट्रायड्स भी कहलाते हैं, और इनको हम फ्रेने फ्रेम भी कहते हैं। मतलब ये जो टी एन और बी जो है ये हमारे पास मूविंग ट्रायड्स भी हैं, दिस और ऑर्थोनॉर्मल। जबकि इसका एक और नाम भी है, इसको हम फ्रेने फ्रेम का भी नाम देते हैं। अच्छा, अब जो है हमने एक चीज और डिफाइन की थी लास्ट क्लास में, डेट वॉज द कर्वेचर। और कर्वेचर क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्वेचर आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच अमाउंट में कर्व जो है किस तरह से मूव कर रहा है, मतलब कर्व जो है कितना कर्वी है, मतलब उसके अंदर जो है हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रही है, ये जो है आपका कर्वेचर जो है ये चीज मेजर करता। तो कर्वेचर हमारे पास हो गया। इसके अलावा एक चीज होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर, यानी कि रॉ इज इक्वल्स टू वन ओवर के, दिस इज योर रेडियस ऑफ द कर्वेचर। यहां तक हमने बात कर ली थी, अब मैं आगे बढ़ता। हमारे पास एक नई एक टर्मिनोलॉजी आती है टॉर्शन के नाम से। व्हाट इज टॉर्शन, टॉर्शन की डेफिनेशन है आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। मतलब ये है कि आप जब इस कर्व पे मूव करेंगे तो आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी चेंज हो रहा होगा हर पॉइंट के ऊपर। तो हर पॉइंट पे जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो चेंजेस आ रही होती है, यानी कि इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द ट्विस्टिंग ऑफ द कर्व।
जब आप मूव करेंगे अपने इस कर्व के अलोंग, तो ये बाय नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में हर पॉइंट पे चेंजेस आ रही होंगी। अगर कभी ऐसा हो कि आप किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहे हो, बाय नॉर्मल के वेक्टर के अलोंग की डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए, अगर वो बाय नॉर्मल वेक्टर, अगर लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप ये समझे किसी प्लेन के ऊपर एक सर्कल है, उस सर्कल के अलोंग आप जब मूव करेंगे तो बाय नॉर्मल वेक्टर इज विल लाई ऑर्थोगोनल टू डेट प्लेन, तो ये इसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगी, हर पॉइंट पे बाय नॉर्मल की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो उस केस में टॉर्शन जीरो होगा। अगर आप स्पेस कर्व में जब आप बात करते हैं, तो स्पेस कर्व में आप जब हर पॉइंट पे बाय नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, तो यानी कि हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज कॉल्ड टॉर्शन। अब टॉर्शन की जो वैल्यू है, डेट माइट बी पॉजिटिव एंड डेट माइट बी नेगेटिव, तो टॉर्शन की वैल्यू के बारे में हम ये कहते हैं कि टॉर्शन की वैल्यू पॉजिटिव उस वक्त होती है जब आपका कर्व जो है राइट हैंडेड कर्व होता है, तो टॉर्शन की जो वैल्यू है पॉजिटिव होती है, और टॉर्शन की वैल्यू नेगेटिव उस वक्त होती है जब आपके पास जो कर्व गिवन है वो लेफ्ट हैंडेड कर्व हो। मतलब टॉर्शन मेजर क्या कर रहा है, ट्विस्टिंग मेजर कर रहा है कि कर्व में ट्विस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपका कर्व किसी एक प्लेन के अंदर ही लाए करते, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई प्लेन, जैसे मैंने कहा पेपर के ऊपर आप बना दे, तो पेपर के ऊपर अगर आप सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल इज अ प्लेन कर्व, तो प्लेन कर्व के ऊपर अगर आप ऑर्थोगोनल वेक्टर बनाएंगे तो हर पॉइंट पे आप देखेंगे किसी भी पॉइंट के पे बाय नॉर्मल में कोई चेंजेस नहीं आ रही होंगी, उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन ही रहेगी और उसमें कोई चेंजेस, जबकि स्पेस कर्व के अलोंग आप मूव करते हैं तो उसमें हमारे पास हर पॉइंट पे इन जनरल बाय नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो यानी कि टॉर्शन इज मेजरिंग द ट्विस्टिंग ऑफ द कर्व, और मेजर इसको आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी कहते हैं, और इसकी साइन के बारे में हमने कहा कि ये जो टॉर्क का साइन है, सॉरी टॉर्शन का जो साइन है, टॉर्शन का जो साइन है, डेट माइट बी पॉजिटिव एंड डेट माइट बी नेगेटिव। पॉजिटिव उस वक्त कहलाता है जब ये राइट हैंडेड कर्व है, और अगर ये लेफ्ट हैंडेड कर्व है तो हम उसको कहते हैं कि टॉर्शन इज नेगेटिव। तो अगर टॉर्शन पॉजिटिव होता है तो कर्व जो है द कर्व टर्न्स टू द साइड टू विच द बायनॉर्मल वेक्टर पॉइंट्स, और अगर टॉर्शन नेगेटिव है तो कर्व जो है ये टर्न होता है अपोजिट साइड पे, जहाँ पे बायनॉर्मल वेक्टर की जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे टर्न हो रहा होता है। जबकि अगर टॉर्शन पॉजिटिव है तो आपका जो अगर टॉर्शन पॉजिटिव है तो कर्व जो है टर्न करता है उस साइड पे जहाँ पे बायनॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है, तो टॉर्शन अगर पॉजिटिव है तो कर्व उसी डायरेक्शन में मूव, उसी पॉइंट पे मूव टर्न करेगा जिस साइड पे बायनॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ये जो है टॉर्शन के बारे में मैंने कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। सो फ्रॉम करंट डिस्कशन वी कैन से डेट टॉर्शन इज मेजरिंग ट्विस्टिंग ऑफ द कर्व, और वी कैन से डेट हाउ द कर्व डेविएटिंग फ्रॉम द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, दिस इज मेजर्ड बाय टॉर्शन, और वी कैन ऑल्सो से ट्विस्टिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ कर्वेचर, इसको टॉर्शन को इस तरह से भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप ये जो मेरे पास एक फिगर बनाई है, मैं अगर इस फिगर से बात समझूं, तो मैंने जैसे अभी आपसे कहा था कि लेट सपोज एक सर्कल है जो कि आपने एक पेपर के ऊपर बनाया, तो मैंने भी इधर ये किया कि एक सर्कल बनाया जो ग्रीन कलर से आपको इधर सर्कल नजर आ रहा है, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल के ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ये टेंजेंट वेक्टर है, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर, ये मैंने थोड़ी रफ सी फिगर बनाई है। नॉर्मल वेक्टर ये जो डायरेक्शन होती है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके टुवर्ड्स इसकी डायरेक्शन है, और ये बाय नॉर्मल वेक्टर है। आप जब इस सर्कल के अलोंग मूव करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बाय नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही होगी, हर पॉइंट पे जो बाय नॉर्मल वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रही होंगी। तो जब इसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो यानी कि मैं ये कहूँगा कि कर्व में हमने अभी टॉर्शन के बारे में मैंने एक बात और भी कही थी कि टॉर्शन जो है जब पॉजिटिव उस वक्त होता है जब आपका कर्व जो है टर्न होता है
उस साइड पे जिस साइड पे बायनॉर्मल वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हो, कर्व अगर उसी डायरेक्शन में टर्न हो रहा हो, तो आप कहते हो कि टॉर्शन पॉजिटिव है। और बिल्कुल अपोजिट क्या अगर केस हो जाए, यानी कि टॉर्शन नेगेटिव उस वक्त होता है, तो अगर टॉर्शन नेगेटिव हो तो कर्व आपका उस डायरेक्शन में टर्न करता है जिस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करता है जिस डायरेक्शन में बाय नॉर्मल वेक्टर पॉइंट कर रहा होता है, तो टॉर्शन उस वक्त नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास, या दूसरे लफ्जों में इसको इस तरह भी कहा जाता है कि अगर टॉर्शन जो है पॉजिटिव है तो ये राइट हैंडेड कर्व होगा, और अगर टॉर्शन नेगेटिव है तो ये लेफ्ट हैंडेड कर्व कहलाएगा। इसको इस तरह से भी कहा जाता है। तो अगर आप कह रहे हो कि भाई इसमें बायनॉर्मल वेक्टर में कोई चेंजेस ही नहीं आ रही है, तो टॉर्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि इधर से एक पॉइंट हमारे पास मिलता है, हम ये कहते हैं कि ये जो कर्व है, ये कोई भी कर्व जो है ये प्लेनर उस वक्त कहलाएगा, प्लेन में उस वक्त कहलाएगा, इफ एंड ओनली इफ टॉर्शन, इफ एंड ओनली इफ इट्स टॉर्शन इज जीरो। तो टॉर्शन को हम की नोटेशन जो हम इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज टॉ। टॉर्शन अगर जीरो आ रहा है तो ये कर्व प्लेनर कहलाता है, यानी कि एक प्लेन में लाई कर रहा होता। तो ये हमने टॉर्शन को डिफाइन किया। अब जो है मैं इसके ऊपर फर्दर कोई आगे कुछ बातें करता हूँ इसमें। ओके नाउ सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, दीज आर वेरी फेमस फॉर्मूलास इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री व्हेन यू आर स्टडीइंग अबाउट स्पेस कर्व्स। इन दीज फॉर्मूला वी स्टडी द फॉर्मूलास ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ टेंजेंट वेक्टर, बायनॉर्मल वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर। तो इसमें हमारे पास ये फॉर्मूलाज क्या होते हैं, पहले मैं वो फॉर्मूलाज यहाँ पे राइट कर देता हूँ, देन फिर मैं उसको प्रूव करूँगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव, टी डॉट का फॉर्मूला, ये वैसे ऑलरेडी हम ऑल पीछे डिफाइन कर चुके हैं इसको, कापा एन। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं इस फॉर्मूलास पे वर्किंग करने से पहले, जो हमारे पास जो कर्वेचर और टॉर्शन है, देखा जाए ये दो तरह के मेजर्स आ चुके हैं जो कि कर्व की लोकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जो कर्वेचर है, कर्वेचर क्या बता रहा है कि आपका जो कर्व है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में ये टर्न कर रहा है, या टर्न का वर्ड तो बेहतर नहीं है, मतलब किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, मतलब टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव लेने का मतलब यही है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो नॉर्मल वेक्टर के अलावा। तो ये कर्वेचर मेजर करता है, और कर्वेचर का हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने कहा था कि कर्वेचर जो है बेसिकली टेंजेंट वेक्टर होता है, टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ पैरामीटर, और उसका अगर आप नॉर्म ले ले तो ये कर्वेचर हो जाता है। तो कर्वेचर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, जबकि टॉर्शन जो है, टॉर्शन को हम ये कहते हैं कि टॉर्शन का कुछ लोग सेकंड कर्वेचर भी कहते हैं। टॉर्शन जो है ट्विस्टिंग ऑफ द कर्व को मेजर करता है कि आपका बायनॉर्मल वेक्टर जो है किस तरह से मूव कर रहा है, या इसको हम इस सबसे बेहतर तरीका इसको समझने का यही है कि ट्विस्टिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ कर्वेचर, मतलब बायनॉर्मल वेक्टर का को हम मेजर कर रहा होता है ना, बायनॉर्मल वेक्टर ही होता है जो कि प्लेन ऑफ कर्वेचर से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये ट्विस्टिंग कौन मेजर करेगा, बायनॉर्मल वेक्टर मेजर करता है। तो ये टॉर्शन के बारे में हमने देखा है कि दिस माइट बी पॉजिटिव और दिस माइट बी नेगेटिव, जबकि कर्वेचर सिर्फ पॉजिटिव होता है। एनीवे टी डॉट की वैल्यू हो गई, एक ये होती है, और बायनॉर्मल यानी के बी डॉट जो होता है ये होता है इज इक्वल्स टू माइनस टॉर्शन ऑफ एन के इक्वल होता है, और जबकि हमारे पास थर्ड फॉर्मूला इज एन डॉट, यानी के एन डॉट इज इक्वल्स टू होता है टॉर्शन ऑफ बी माइनस कापा, इसको कर्वेचर के जो नोटेशन है इसको कापा भी कहा जाता है, माइनस कापा ऑफ टी। तो मैं इन फॉर्मूलास को थोड़ा सा शॉर्ट सी डेरिवेशन है इनकी हम वो डिस्कस करते हैं। ओके सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है
टी डॉट को कापा एन के बराबर सपोज का के बराबर प्रूफ करना, तो वी नो डेट के नॉर्मल वेक्टर को हमने जो डिफाइन किया था लास्ट क्लास में, वो हमने डिफाइन किया था के दिस नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू टी डॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ टी डॉट ऑफ एस, इसका नॉर्म। और व्हाट इज दिस नॉर्म, ये नॉर्म होता क्या है, ये नॉर्म बेसिकली कर्वेचर ही होता है। तो ये यानी कि अगर मैं यहाँ से टी डॉट ऑफ एस की वैल्यू निकाल लूँ, तो ये बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज इक्वल टू कापा एन, ये वाला फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया, एक फॉर्मूला ये आ चुका है। तो टी डॉट इज इक्वल टू कापा एन, ये फर्स्ट फॉर्मूला सेरेट फोमुलास फॉर्मूलास में। और सेकंड फॉर्मूले में सेकंड फॉर्मूला इज सॉरी आपको ये कह रहा है कि ये प्रूफ करें कि भाई बी डॉट इज इक्वल टू माइनस टॉर्शन ऑफ एन। तो सबसे पहले अगर मैं बाय नॉर्मल वेक्टर की बात करूं, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जो बाय नॉर्मल वेक्टर है, मतलब ये टी एन और बी, ये दीस वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल एंड वी नो द मीनिंग्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल। मीनिंग्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल इज के इन तमाम वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे आपस में तो ये जीरो आएगा और हर एक का नॉर्म वन होगा। तो हर एक का नॉर्म जब वन होगा तो बी का बी के बाय नॉर्मल का बाय नॉर्मल के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू वन। और अगर मैं इसमें दोनों डिफ्रेंशिएट कर दूं इसको विद रिस्पेक्ट टू एस, बिकॉज वी मैंने इधर लिखा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो इधर बी बायनॉर्मल वेक्टर है, ये बायनॉर्मल वेक्टर इसका मीनिंग यही है कि बायनॉर्मल वेक्टर इज डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर एस। तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एस पैरामीटर अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लेगा, ये हो जाएगा बी डॉट बी डॉट डॉट प्लस बी डॉट डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो एंड वी नो द डेट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी डॉट इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो हमें ये पता है कि ये दोनों वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी कि बी एंड बी डॉट विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब यानी कि बायनॉर्मल से ये वेक्टर ऑर्थोगोनल है, कौन सा, बी डॉट वेक्टर। अब ये हमारे पास दो चॉइसेस रह गई, अगर ये बायनॉर्मल से ऑर्थोगोनल है तो या तो ये टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा या फिर ये नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो हम ये बात को समझने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ, मुझे ये बात पता है कि टी टेंजेंट वेक्टर और बाय नॉर्मल वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो टेंजेंट वेक्टर और बाय नॉर्मल वेक्टर का अगर मैं अगेन इसमें ये करूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एस, तो मेरे पास आ जाएगा टी डॉट बी डॉट प्लस बी सॉरी दिस बी विल ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और यहाँ पर टेंजेंट आएगा, ये टेंजेंट है टी है, इसका डॉट डेरिवेटिव आ जाएगा, ये टेंजेंट वेक्टर है सॉरी डॉट B is equal to zero। अब जो है मैं इसमें कुछ फर्दर वर्किंग करूं तो ये जो आपके पास सेकेंड टर्म लिखी हुई नजर आ रही है, फर्दर वर्किंग जो है एक लाइन यहां पर मरी ड्रॉ करके इस तरफ करूंगा, ये जो आपके पास सेकेंड टर्म है मैं आफ्टर दिस स्टेप मैं यहां पे वर्किंग कर रहा हूं,
ये आपका जो सेकंड टर्म है ये इसमें क्या हो जाएगा, मैं इस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं है, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, टी डॉट बी डॉट आ जाएगा प्लस, ये टी डॉट की वैल्यू आपने ऊपर निकाल चुके हैं, ये निकाली हुई है टी डॉट की वैल्यू, नंबर वन फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला जो लिखा हुआ, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कापा एन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज एन डॉट बी, जैसे हम अभी बात कर चुके हैं भाई, ये जो वेक्टर्स है ना ये सारे वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल है, यानी कि इन सबका डॉट प्रोडक्ट आपस का डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, तो दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू जीरो, एन डॉट बी ये जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो बचेगा वो आ जाएगा कि टी टेंजेंट वेक्टर और बायनॉर्मल वेक्टर का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब जीरो आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि टेंजेंट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बायनॉर्मल वेक्टर का डेरिवेटिव के परपेंडिकुलर होगा, जैसे इधर हमारे पास एक बात हुई थी कि ये बायनॉर्मल जो है बी डॉट के परपेंडिकुलर है, और यानी के और टेंजेंट भी बी डॉट के नेगेटिव है, तो यानी कि एक ही चीज एक ही चॉइस बची कि ये दोनों से नेगेटिव है, बायनॉर्मल से भी नेगेटिव है टेंजेंट से भी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास तीन वैक्टर्स होते हैं, टेंजेंट वैक्टर नॉर्मल वैक्टर बायनॉर्मल वैक्टर, दो से जब ये परपेंडिकुलर है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ऑब्वियसली दिस वेक्टर विल लाई इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, यानी कि मैं इसको ये कह सकता हूँ कि दिस बायनॉर्मल वेक्टर विल बी पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर, इसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दिस बायनॉर्मल वेक्टर का जो डेरिवेटिव है दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल वेक्टर, और इधर से हम ये कह सकते हैं यानी कि देयरफॉर B dot is equals to minus torsion of n. अब इधर से एक चीज मैं आपको थोड़ी सी मेंशन कर दूं, आप ये बात देखें कि एक बात चलें ये बात तो हमने डिसाइड कर ली कि यहां पे ये नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है, मैंने टॉर्शन यहां पे क्यों यूज किया, जैसे हमने पीछे टॉर्शन को बहुत डिटेल से डिफाइन किया भाई, टॉर्शन जो है ये क्या होता है, ये होता है आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, यानी कि जैसे जैसे बायनॉर्मल वेक्टर की चेंजेस से मेजर किया जा रहा होता है टॉर्शन, तो यानी कि बी डॉट है तो इधर प्रोपोर्शन में कॉन्स्टेंट इधर आना चाहिए, कौन सा कॉन्स्टेंट आना चाहिए, टॉर्शन आना चाहिए, ये जो माइनस का साइन है ये माइनस का साइन सिर्फ कन्वेंशन के तौर पे लगाया जाता है कि टॉर्शन माइट बी पॉजिटिव माइट बी नेगेटिव, हमारे पास ये जो वैल्यू है टॉर्शन की, मतलब इधर ये जो माइनस का साइन इस तरह से होता है कि हमारे पास अगर ये पॉजिटिव, अगर आपके पास जो कर्व है ये राइट हैंडेड कर्व है, इस राइट हैंडेड कर्व को टॉर्शन को जीरो बना सॉरी पॉजिटिव बनाने के लिए इस तरह से आप इस साइन को यूज करेंगे कि ये टॉर्शन सच डेट पॉजिटिव हो जाए, अगर मैं एक काम ये करूं कि दोनों साइड पे एन का डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे यहां तक टॉर्शन की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं इसमें इधर इस तरह से कह रहा हूं कि ये जो माइनस का साइन है आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि सच दैट फॉर राइट हैंडेड कर्व टॉर्शन आपका पॉजिटिव आ जाए, तो बी डॉट का ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला, हमारे पास ये चीज ये भी ड्राइव हो चुका है, अब आते हैं थर्ड फॉर्मूले के ऊपर, थर्ड फॉर्मूले में हमारे पास जैसे मुझे पता है एक इंफॉर्मेशन है एन जो है बराबर होता है बाय नॉर्मल क्रॉस एन इज इक्वल्स टू बी क्रॉस टी के इक्वल होता है, और ये कब होता है, ये उस वक्त होता है जब आप ये कंसीडर कर रहे हो कि जो कर्व है दिस कर्व इज राइट हैंडेड कर्व, मैंने ये कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई ये राइट हैंडेड कर्व, राइट हैंडेड कर्व में टॉर्शन पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, तो ये राइट हैंडेड कर्व है तो एन इज इक्वल्स टू बी क्रॉस टी होता है, एक चीज मैं इसमें थोड़ी सी बता देता हूँ, राइट हैंडेड कर्व में वैसे होपफुली आपको ये बात पता ही होगी लेकिन फिर भी मैं इधर मैंशन कर देता हूँ, अगर कर्व राइट हैंडेड होता है तो बी जो है बाय नॉर्मल जो है ये टी क्रॉस एन के इक्वल होता है, अगर ये आपका
राइट हैंडेड कर्व है, और टेंजेंट वेक्टर जो है ये एन क्रॉस बी होता है, और बी जो और ये जो एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है ये बराबर होता है बी क्रॉस टी के। तो मैंने यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज की, एन इज इक्वल्स टू बी क्रॉस टी, और मैंने एन इज इक्वल्स टू बी क्रॉस टी वाला ही क्यों लिया, बिकॉज क्योंकि मुझे एन का डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं अब क्या करूंगा वही इसमें दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू एस, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, सो दिस विल बिकम एन डॉट इज इक्वल्स टू, एन डॉट इक्वल्स हो जाएगा सबसे पहले आपके पास ये बी डॉट क्रॉस टी प्लस बी क्रॉस टी डॉट। बी डॉट की वैल्यू क्या है हमने पीछे निकाली है, बी डॉट की वैल्यू, बी डॉट की वैल्यू इज माइनस टॉर्शन ऑफ एन क्रॉस टी, और व्हाट इज बाय नॉर्मल, तो बी तो खैर बी रहेगा, व्हाट इज टी डॉट, टी डॉट की वैल्यू हमने कापा एन के बराबर निकाली है फ्रॉम वेक्टर के, जो वेक्टर अर्थमेटिक वेक्टर अलजेब्रा है उससे हमें बात पता है कि ये जो स्केलर है टॉर्शन भी स्केलर क्वांटिटी है, कापा भी स्केलर है, तो कापा कोई मैटर नहीं करता, कापा को आप शुरू में भी ले जाए कोई इशू नहीं है। तो एन क्रॉस टी किसके इक्वल होगा, माइनस बी के इक्वल होगा, जैसे हमने इधर बात की है भाई ये बायनॉर्मल जो है ये इक्वल होता है टी क्रॉस एन के जब ये राइट हैंडेड कर्व है, तो मैं इसमें कंसीडर कर रहा हूँ कि ये जो है राइट हैंडेड कर्व है, तो बी इक्वल्स टू टी क्रॉस एन होता है, तो इधर एन क्रॉस टी आ रहा है, तो हमें पता है कि अगर इसमें चेंज कर देते हैं आगे पीछे कर दें क्रॉस प्रोडक्ट तो ये माइनस आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टॉर्शन ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा, और बी क्रॉस एन ये आप देख सकते हैं बी क्रॉस एन जो है एन क्रॉस बी के बराबर होता है टी फॉर राइट हैंडेड कर्व, तो ये हो जाएगा माइनस मतलब कापा तो बाहर ही आ जाएगा, सॉरी दिस इज कापा, कापा तो बाहर आ जाएगा, बाकी बी क्रॉस एन जो है ये बी क्रॉस एन क्या हो जाएगा, बी क्रॉस एन जो है ये टेंजेंट के बराबर हो जाएगा, तो ये आपने यहां से एन डॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, ये आपके पास आ गए फ्रेनेट सेरेट फॉर्मूलास, सेरेट फ्रेनेट भी कहते हैं फ्रेनेट सेरेट भी कहते हैं, कि चीज है कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो लेट सपोज एक एग्जांपल आपको दी हुई है एक हीलिक्स की, ये बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, हीलिक्स जो है आपको मैं आगे जाके किसी वक्त प्लॉट भी करके दिखाऊंगा, लेकिन बहरहाल मैं इसमें आपको ये कह रहा हूँ कि ये हीलिक्स है, हीलिक्स जो है दिस इज समथिंग लाइक दिस, इसकी कुछ इस तरह की बनता है हीलिक्स, आपको उसका एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब पोजीशन वेक्टर ये स्पेस कर्व है क्योंकि आपके पास थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड मतलब आपके जो इसके अंदर लाई करता है स्पेस के अंदर लाई करता है आर थ्री के अंदर ये लाई करता है, आपको इसमें करना ये है कि फ्रेने अपरेटस फाइंड करना है, एक वर्ड होता है फ्रेनेट सेरेट फार्मूलास, फ्रेनेट सेरेट फार्मूलास का मतलब तो सिंपल सा ये होता है भाई टी डॉट बी डॉट और एन डॉट की वैल्यू निकाल लो, जबकि फ्रेनेट सेरेट अपरेटस का मतलब ये होता है कि आपको इसमें सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो है इस एग्जाम्पल के अंदर पर्टिकुलरली टॉर्शन निकाल दीजिए और कर्वेचर निकाल दीजिए, तो ये चीज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ इस पोजीशन वेक्टर को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू यू तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स प्राइम ऑफ यू इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन यू कॉमा ए कॉस यू कॉमा सी, यह आपका इसका डेरिवेटिव आ गया, और हमें एक बात
फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि ये जो ds अपॉन du होता है, दिस ds अपॉन du इज इक्वल्स टू होता है नॉर्म ऑफ x प्राइम ऑफ u के, इसके इक्वल होता है। तो मैं अगर x प्राइम ऑफ u जो मैंने फाइंड किया है इसका नॉर्म ले लूं, तो इसका नॉर्म आप क्लियरली देख सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दिस विल बिकम ओनली ए स्क्वायर और ये आपका यहाँ से सी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं इसका जो है डेरिवेटिव डी यू है, ये डी यू को अगर मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं, देन दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दूं, मेरे पास यहाँ से एस आर्क लेंथ पैरामीटर आ जाएगा। मैं असल में रीपैरामीटराइज करना चाह रहा हूँ, तो एस की वैल्यू आ जाएगी एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यू, या फिर आप इसमें अगर यू की वैल्यू निकालना चाहें तो सिंपली आप यू की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ए वाली टर्म को, तो ये आ जाएगी एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो है यानी कि ये जो आपके पास u की वैल्यू आई है, इस u की वैल्यू को आप अगर गिवन जो आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इस गिवन पोजीशन वेक्टर के अंदर अगर s की u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका ये जो कर्व है ये पैरामीटर u के बजाय आर्क लेंथ पैरामीटर s के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाएगा। तो जहां जहां पे u आ रहा है मैं उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, a cos s अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा a sin s अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इधर c u की जगह पे आ जाएगा c s अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने क्या किया, आपने इस कर्व को रीपैरामीटराइज किया। रीपैरामीटराइज करने का मतलब होता है कि आपके पास ये पहले आर्बिटरी स्पीड कर्व भी हम इसको कहते हैं, इसको हम आर्बिटरी स्पीड कर्व भी कहते हैं, तो गिवन कर्व है। मतलब इसका आर्बिटरी स्पीड कर्व का मतलब ये है कि आप जब इसका नॉर्म निकालेंगे ना, तो अदर देन यूनिट नॉर्म कुछ भी आ सकता है, जबकि आप इसका जब नॉर्म निकालते हैं आई, इसको हम कहते हैं यूनिट स्पीड कर्व भी कहते हैं, बिकॉज इसका नॉर्म जो है वन के इक्वल होता है। तो हमने इसको रीपैरामीटराइज किया सच दैट इसका नॉर्म जो है वन के इक्वल हो गया। तो अब जब मैं इसमें अपने उस पर आता हूँ, मुझे कर्वेचर रिक्वायर्ड है और मुझे इसके अंदर टॉर्शन रिक्वायर्ड है, तो मैं कर्वेचर और टॉर्शन निकालना चाह रहा हूँ, तो निकालते हैं हम। फॉर कर्वेचर वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले मुझे टेंजेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि टी सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास टी है, टी कैसे निकाला जाता है, टी इज सिंपली एक्स डॉट ऑफ एस के इक्वल होता है। मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था उसी पोजीशन वेक्टर का आप डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये आपका x ऑफ s आ रहा था, इस x ऑफ s का डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव इज वेरी सिंपल, इसका डेरिवेटिव में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव इस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसी तरह साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा, और एंगल ये पूरा आपका एंगल है, चाहे तो ब्रैकेट लगा लें ताकि मिस्टेक के चांसेस ना रहे, पूरा एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली इसका डेरिवेटिव जो बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हर जगह आ रहा है, तो इसको आप बाहर उठा के फेंक दें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दें, और बाकी जो है आप उसको इधर लिख सकते हैं माइनस ए साइन एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा, इसको आप लिख सकते हैं ए कॉस एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी जो है आपका
इधर सिर्फ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा था, ये अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड वाला बाहर उठा के फेंक दिया, तो आपका ये इधर सिर्फ कॉमा सी रह जाएगा। अब जो है मुझे फॉर कर्वेचर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले नॉर्मल भी निकालना पड़ता है। तो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल बराबर होता है टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव, दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय जो टेंजेंट वेक्टर आ रहा है उसका नॉर्म। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसमें टी डॉट फाइंड करता हूँ। सो टी डॉट इज इक्वल्स टू, यानी कि ये जो आया इसका दोबारा से आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका आप जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये साइन का डेरिवेटिव फॉल्स हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ये सिर्फ कैंसिल हो जाएगा, अंडर कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेपिंग करके मैं इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आपका इधर आ जाएगा माइनस ए कॉस एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चाहे तो आप एक काम ये करें कि इधर भी स्क्वायर जो है ब्रैकेट लगा दीजिए, ताकि ये एंगल आपको लगे कि एंगल ये है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए साइन एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी का डेरिवेटिव इस विल बी जीरो, ये आ गया टी डॉट। अब टी डॉट का अगर मैं आपसे बोलूं यार इसका नॉर्म निकाल दीजिए, तो टी डॉट का नॉर्म निकालोगे आप, इसका नॉर्म आप निकालोगे तो अगेन वही चीज आपको बेशक जैसा भी लग रहा हो, लेकिन सिंपली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, दिस विल बी होल इक्वल्स टू, ये वन के बराबर हो जाएगा। और बाहर जो है मेरे, अच्छा ए स्क्वायर है तो मेरे पास फाइनली बन जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट तो नहीं आएगा ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज योर कर्वेचर। आपको कर्वेचर रिक्वायर्ड था, आपने कर्वेचर निकाल लिया। सेकेंडली आपको टॉर्शन रिक्वायर्ड है। फॉर टॉर्शन आपको जो है बाय नॉर्मल निकालना पड़ेगा, ताकि टॉर्शन निकाल सको, बिकॉज टॉर्शन की जो डेफिनेशन है उसके लिए हमें बाय नॉर्मल वेक्टर का डेरिवेटिव लेना पड़ता है आर्क लेंथ पैरामीटर के रिस्पेक्ट से, तो फिर आपके पास टॉर्शन आता है। तो आर्क लेंथ पैरामीटर के रिस्पेक्ट से बाय नॉर्मल का डेरिवेटिव, तो उसके लिए मुझे पहले टॉर्शन, सॉरी बाय नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड हाउ वी शुड कैलकुलेट बाय नॉर्मल? वी नो दैट इफ दिस कर्व इज राइट हैंडेड कर्व देन बाय नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू टी क्रॉस एन, जैसे हमने इधर डिस्कस किया। तो हमारे पास बाय नॉर्मल वेक्टर मुझे चाहिए, तो बाय नॉर्मल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू टी क्रॉस एन। तो बायनॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, यहाँ से आपको इधर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेने का जो मेथड है आप वो मेथड इधर अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे बायनॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा टी एन बी, और टेंजेंट वेक्टर आपके पास क्या था, आपने पीछे निकाला हुआ है, तो वो इधर कॉपी कर देते हैं हम, थोड़ा सा लेंदी हो गए। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर जो हमारे पास फाइनली बनेगा वो हमने देखा टी डॉट अपॉन नॉर्म ऑफ टी डॉट, तो टी डॉट निकाल चुके हैं, नॉर्म ऑफ टी डॉट भी निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आपका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और अगर आप टी क्रॉस एन फाइंड करेंगे, बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू टी क्रॉस एन, तो ये हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसके लिए डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जाता है, और आफ्टर टेकिंग दिस डिटरमिनेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बी का। अब हमें चाहिए टॉर्शन, और टू फाइंड द टॉर्शन
हमें b बायनॉर्मल वेक्टर जो आया इस बायनॉर्मल वेक्टर का आर्क लेंथ मतलब रेट ऑफ आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन यानी कि बायनॉर्मल से ये चीज डिटरमाइन होती है, यानी कि बायनॉर्मल का मैं डेरिवेटिव लूंगा आर्क लेंथ पैरामीटर के रिस्पेक्ट से यानी कि एस के रिस्पेक्ट से, देन उसका नॉर्म ले लूंगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ यानी कि आई एम कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ बायनॉर्मल वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार बी डॉट निकाल लूंगा। तो बी डॉट निकालने के लिए मैं इसका अब डेरिवेटिव निकालूंगा, तो ये आप देख सकते हैं साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी के ये आ जाएगा माइनस, आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एस वी विल गेट दिस थिंग। और हमें पता है कि टॉर्शन इज इक्वल होता है बी डॉट के नॉर्म के। मैं इसका नॉर्म लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपने क्या निकाला, ये आपने टॉर्शन निकाल लिया। अच्छा टॉर्शन वैसे तो आ चुका है और ये टॉर्शन आपका सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये राइट सर्कुलर मतलब राइट हैंडेड हीलिक्स है या लेफ्ट हैंडेड हीलिक्स है। सी अगर नेगेटिव होगा तो ये लेफ्ट हैंडेड हीलिक्स हो जाएगा, टॉर्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और अगर सी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये राइट हैंडेड हीलिक्स बन जाएगा यानी कि टॉर्शन पॉजिटिव आएगा। तो ये बात तो हम डिटेल से कर चुके हैं। अब एक चीज है, थोड़ा सा अगर आप इसमें एक चीज और करें कि c इज एनी कांस्टेंट नंबर, c अगर जीरो हो जाए तो c अगर जीरो हो जाएगा तो ये सर्कल बन जाएगा बिकॉज टॉर्शन विल बी इक्वल टू जीरो, और टॉर्शन जब जीरो आता है तो वो प्लेनर कर्व बन जाता। और अगर आप इसकी पोजीशन वेक्टर देखें जो गिवन क्वेश्चन के अंदर इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू डेट आई थिंक ये टॉर्शन जो है इसका जीरो है, तो ये एक सर्कल फॉर्म करेगा। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अगर ये जो टॉर्शन आ रहा है और पीछे जो आपने कर्वेचर निकाला है, ये जो आपने कर्वेचर निकाला है, अगर आप इनका रेशो ले लेंगे तो ये रेशो कॉन्स्टेंट आएगा। ये भी एक हीलिक्स की पहचान होती है कि अगर टॉर्शन और कर्वेचर का रेशो कांस्टेंट आता है तो हम ये कहते हैं डेट इज फॉर्मिंग अ सर्कुलर हीलिक्स। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल और मतलब एक चीज और है, मतलब मैं आप टॉर्शन और कर्वेचर आपको कैलकुलेट करवा रहा हूँ जब आपका आर्बिटरी स्पीड कर्व यानी कि पोजीशन वेक्टर जो दिया वो एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ यू दिया हो, मतलब एक्स ऑफ यू मतलब पैरामीटर यू के फॉर्म में है यानी कि कोई भी पैरामीटर है अदर देन आर्क लेंथ पैरामीटर। हमने आर्क जो डेरिवेशन अभी जो की थी वो आर्क लेंथ पैरामीटर के लिए हमने टॉर्शन और कर्वेचर को फाइंड किया। अगर आपका पैरामीटर कुछ भी हो जाए आर्बिटरी स्पीड कर्व है तो उस केस में आपका टॉर्शन और कर्वेचर क्या होगा, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट थिंग। यानी कि आप कर्वेचर और टॉर्शन उस केस में फाइंड करें व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू, यानी कि बात कर रहा हूं मैं आर्बिटरी स्पीड कर्व की बात कर रहा हूं, इस केस में आपका टॉर्शन और कर्वेचर क्या होता है ये चीज कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। हमारे पास जो गिवन है वी हैव एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू आपको गिवन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं एक्स प्राइम, एक्स प्राइम को हमें पता है कि डिफाइन किया जाता है, एक्स प्राइम के मीनिंग्स है डी एक्स ओवर डी यू, और अगर मैं इस पे चेन रूल अप्लाई करूं तो वी नो दैट दिस विल बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एस एंड मल्टीप्लाई बाय डी एस अपॉन डी यू। व्हाट इज डी एक्स ओवर डी एस, ये हम पीछे बात कर चुके हैं, दिस इज आवर टेंजेंट वेक्टर डिपेंडिंग ऑन व्हिच इज डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर एस
which is depending on parameter s or ds upon du. इसको मैं s prime कह देता हूँ. अब जो है अगर मैं x का double derivative ले लूँ इसी चीज का x double prime calculate करूँ तो x double prime will be equals to d by du of मतलब ये जो डेरिवेटिव आया इसी का आप दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे यानी कि टी एस प्राइम का दोबारा से डेरिवेटिव लेना. तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल ये हो जाएगा टी प्राइम एस प्राइम. ये टी ख्याल रखें दिस इज अ वेक्टर जबकि एस जो है ये आपका पैरामीटर है कोई प्लस टी एस डबल प्राइम. प्रोडक्ट रूल मैंने यहाँ पे यूज किया और ये जो आपका टी प्राइम तो मुझे इधर नहीं लिखना चाहिए था मुझे इधर जो है ना बल्कि हाँ सही तो लिखा है विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं आप लोग. मैं इसमें फर्दर ये सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. ये जो मेरे पास ये चीज लिखी है टी प्राइम जो लिखा है मैं टी प्राइम को अगर चेन रूल से इस पे अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा डी टी ओवर डी एस. टी प्राइम का मतलब क्या है व्हाट इज दिस थिंग इज डी टी बाय डी यू डी टी बाय डी यू. तो मैं इस पे चेन रूल लगा रहा हूँ डी टी बाय डी एस हो जाएगा और डी एस ओवर डी यू हो जाएगा और ये आपका एस प्राइम एक पहले से मौजूद है यानी के ये एस प्राइम एक पहले से मौजूद एस प्राइम ऑल्सो मीन्स डी एस अपॉन डी यू प्लस जो सेकंड टर्म है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे यानी कि टी एस डबल प्राइम डी टी बाय डी एस इसका मतलब होता है टी डॉट दिस इज योर टी डॉट. ये आपका एस प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका टी एस डबल प्राइम हो जाएगा. ये मैंने क्या निकाला एक्स प्राइम और x डबल प्राइम निकाला. अच्छा t डॉट जो है हमने पीछे सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूलास जो पढ़े थे अकॉर्डिंग टू डेट फॉर्मूलास दिस t डॉट इज इक्वल टू कापा n एंड दिस इज इक्वल टू s प्राइम ऑफ स्क्वायर प्लस t s डबल प्राइम. अभी हमारे पास x प्राइम और x डबल प्राइम की वैल्यूज आ चुकी है. ये हमारे पास जो वैल्यू आई है दिस वैल्यू इज ऑफ x प्राइम एंड दिस वैल्यू इज ऑफ x डबल प्राइम. मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ. तो क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली मैं इधर कापा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो मैं इधर से इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं सो इफ यू टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ था यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ एक्स प्राइम क्रॉस एक्स डबल प्राइम का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ. तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का मेथड आपको पता है इसमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है टी एन एंड बी आ जाएगा इधर और ये हमारे पास है हमारे पास ये एक्स प्राइम की वैल्यूज हो गई दिस इज एक्स डबल प्राइम की वैल्यूज हो गई. आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो दिस क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो कॉमा कापा एस प्राइम का क्यूब. ये आपने क्या निकाला x प्राइम क्रॉस x डबल प्राइम कैलकुलेट किया. अगर मैं इसका नॉर्म ले लूं ये जो चीज आई है इसका मैं नॉर्म ले लूं तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ x प्राइम क्रॉस x डबल प्राइम का मैं आपसे कह रहा हूं नॉर्म ले लीजिए तो दिस नॉर्म विल बी इक्वल्स टू कापा s प्राइम का क्यूब. तो यानी कि आपके पास कर्वेचर आपको यहां से कर्वेचर की वैल्यू मिल गई दिस कर्वेचर विल बी इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स प्राइम सॉरी मैं इधर भूल गया था एक्स प्राइम क्रॉस एक्स डबल प्राइम होल डिवाइडेड बाय एस प्राइम का क्यूब. ये आपने क्या निकाला ये आपने कर्वेचर निकाली है एक चीज आप निकाल चुके हैं. अब मैं यहां से एक्स ट्रिपल प्राइम फाइंड करता हूँ फॉर टॉर्शन आई एम कैलकुलेटिंग एक्स ट्रिपल प्राइम
मैं थोड़ी सी यहाँ पे डायरेक्ट स्टेपिंग करूंगा, ये अज्यूम करते हुए कि डेरिवेटिव्स के एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्स ट्रिपल प्राइम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने एक्स डबल प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट की थी उसी वैल्यू के दोबारा से डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो दोबारा जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो आई विल गेट कापा प्राइम एस प्राइम एन। मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ, ये आपके पास जो एक्स डबल प्राइम आया मैं इसका ही दोबारा से डेरिवेटिव ले रहा हूँ। यहाँ पे यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इधर फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल ही लगेगा लेकिन तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। तो कापा प्राइम एस प्राइम एंड एन प्लस टू के एस प्राइम एस डबल प्राइम एन एंड प्लस कापा एस प्राइम का स्क्वायर एंड एन प्राइम प्लस। ये सिंपल मैं जो डेरिवेटिव्स के जो बेसिक रूल्स हैं वही अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ी सी डायरेक्ट स्टेपिंग है। ये होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगी। तो टी एस ट्रिपल प्राइम, अच्छा यहाँ पे आपके पास ये जो एन प्राइम है इस एन प्राइम को मैं एन डॉट के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसको एन डॉट में कन्वर्ट करते हैं और फिर फाइनली हमारे पास जो चीज बन जाएगी ये आ जाएगा कापा प्राइम एस प्राइम एन। और ये वाली जो टर्म है इसमें जो है इस वाली टर्म में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये ऐसी रहेगी टू टाइम्स ऑफ कापा एस प्राइम एस डबल प्राइम एन प्लस कापा एस प्राइम का क्यूब एन डॉट। मैंने इधर जो है एन प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मतलब इसको मैंने जो है चेन रूल अप्लाई किया तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी, एस प्राइम का क्यूब हो जाएगा एन डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई किया। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई इशू आएगा। और प्लस ये जो टी प्राइम है इस पर अगेन मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा टी डॉट एस प्राइम एस डबल प्राइम, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी प्लस टेंजेंट एस ट्रिपल प्राइम। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये करूंगा कि जो एन डॉट की वैल्यू आई है एन डॉट और टी डॉट इनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एंड सम रीअरेंजमेंट्स मैं थोड़ी सी डायरेक्ट स्टेपिंग करूंगा। एन डॉट किसके इक्वल होता है, हमने ये चीज पीछे ड्राइव किया, टॉर्शन ऑफ बी माइनस कापा ऑफ टेंजेंट वेक्टर और टी डॉट इज कापा ऑफ एन। इस वैल्यूज को मैं यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा एस ट्रिपल प्राइम माइनस कापा स्क्वायर एस प्राइम का क्यूब टी प्लस। अब एन वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, मेरे पास एक है कापा प्राइम है एस प्राइम प्लस टू कापा एस प्राइम एस ट्रिपल प्राइम, सॉरी डबल प्राइम है, दिस इज नॉट अ ट्रिपल प्राइम, टू कापा एस प्राइम एस डबल प्राइम प्लस, मैं बाकी इधर लिख रहा हूँ, प्लस कापा एस प्राइम एस डबल प्राइम, ये आ गया एन। ये एन वाली टर्म्स को अलग कर दिया, इसी तरह से बाय नॉर्मल जिसके साथ लगा हुआ वो अलग कर देता हूँ, कापा एस प्राइम का क्यूब टॉर्शन
बाइनोमियल। तो मैंने सिंपली ये किया कि x डबल प्राइम जो पीछे वैल्यू आई थी उधर मैंने उसका डबल डेरिवेटिव, एक दफा और डेरिवेटिव लिया, जहां पे t प्राइम n प्राइम आ रहा था इस पर दोबारा चेन रूल अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाइंग चेन रूल n डॉट t डॉट आ गया, फ्रॉम सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूलास t डॉट n डॉट की वैल्यू पुट करी, फिर t वाली टर्म्स, n वाली टर्म्स और b वाली टर्म्स को अलग अलग कर दिया। अब जो है देखिए, मुझे टॉर्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड है। टॉर्शन कहाँ पे आ रहा है? बायनॉर्मल वाले वेक्टर के साथ आ रहा है। तो मैं करता ये हूं कि ये मेरे पास क्या आई है, x ट्रिपल प्राइम की वैल्यू आई है, x प्राइम क्रॉस x डबल प्राइम आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू निकली है। मैं इस x प्राइम क्रॉस x डबल प्राइम का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लूं इसके साथ, तो होगा ये कि मेरे पास ये दोनों टर्म जीरो जीरो है, टेंजेंट वाली और नॉर्मल वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म आपके पास बचेगी। तो मैं इधर क्या कर रहा हूं, मैं इधर ये कर रहा हूं कि x प्राइम क्रॉस x डबल प्राइम इसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं x ट्रिपल प्राइम के साथ। सो आफ्टर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ये सारी टर्म्स जो है x ट्रिपल प्राइम में सब जीरो हो जाएंगे, बिकॉज x प्राइम क्रॉस x डबल प्राइम की फर्स्ट टू टर्म्स आर जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, सो ये आ जाएगा कापा स्क्वायर एस प्राइम की पावर 6 टॉर्शन, और आप यहां से आपके पास टॉर्शन की वैल्यू आ जाएगी। सो टॉर्शन विल बी इक्वल्स टू एक्स प्राइम क्रॉस एक्स डबल प्राइम डॉट एक्स ट्रिपल प्राइम। अच्छा ये मैं एक्स के साथ अगर कहीं पे ये भी आ गया क्योंकि ये वेक्टर है, और डिवाइड टॉर्शन की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा डिवाइड में कापा स्क्वायर एस प्राइम की पावर 6। तो ये हमारे पास टॉर्शन भी निकाल लिया आपने और कर्वेचर भी निकाल लिया फॉर आर्बिटरी स्पीड कर्व। अगर कोई कर्व आर्बिटरी दिया हुआ है तो हमें टॉर्शन इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, या तो आप उसको रिपैरामेट्राइज कर लें वरना फिर आप टॉर्शन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने टॉर्शन को इंट्रोड्यूस किया, टॉर्शन के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने बात की, और इसके अलावा हमने सेरेट फेरेट फॉर्मूलास को डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने जो है टॉर्शन और कर्वेचर जो है फॉर आर्बिटरी स्पीड कर्व हमने निकाला है कि किसके बराबर होता है अगर कोई और कर्व दे दिया जाए तो उसका मतलब अदर देन आर्क लेंथ पैरामीटर, तो उसका टॉर्शन और कर्वेचर आप कैसे निकालते हैं। और इसके साथ साथ हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की जिसमें हमने टॉर्शन और कर्वेचर निकालना सीखा। सो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंशाल्लाह सरफेसेस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।